अश्विनी कामत। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चिल्ली। इसका इंग्रेडिएंट है सोया चंक्स 250 ग्राम्स बॉइल्ड, कैप्सिकम 1 बाउल, ग्रीन चिलीज 2 to 3, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर, 2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, सॉल्ट नमक स्वादानुसार, मैदा और कॉर्नफ्लोर 3 टीस्पून, 1 बाउल ऑनियन पीसेस। पहला प्रोसेस है सोया चंक्स में आपको स्वादानुसार नमक, एक टीस्पून चिली पाउडर और कॉर्नफ्लोर और मैदा बाइंडिंग के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून मिक्स। मैंने अभी ये सब मिक्स करके रख दिया है। अभी डीप फ्राई करने जा रही हूँ सोया चंक्स को। आप डीप फ्राई कीजिए। अभी मैं ऑनियन डाल रही हूँ। थोड़ा फ्राई होते ही कैप्सिकम पीसेस डाल दीजिए। आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, ज़्यादा मत डालिए क्योंकि हमने सोया चंक्स में भी डाला है। इसमें पेपर पाउडर डाल दीजिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए, ये सब छोटे कर दीजिए। ये आपको बड़ी फ्लेम में सर्व करना है। इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल दीजिए। चिली पाउडर डाल दीजिए। अभी सोया सॉस डाल दीजिए। थोड़ा फ्राई कर दीजिए। फिर इसमें कॉर्नफ्लोर स्लरी डाल दीजिए। कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून में थोड़ा पानी मिक्स करके मिक्स किया तो कॉर्नफ्लोर स्लरी हुआ। इसके बाद पानी डाल दीजिए। फिर सोया चंक्स फ्राइड इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। इसे आपको थोड़ा ड्राई करना है। आपका टेस्टी सोया चंक्स चिली अभी रेडी है। हम अभी सर्विंग प्लेट में इसे सर्व करते हैं। फिर बाद में कोरिएंडर लीव्स से इसे गार्निश कर दीजिए। आपका रेस्टोरेंट जैसा स्वाद वाला सोया चिल्ली रेडी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए और फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू लाइक अवर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you.